अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे? मैं भी ठीक हूँ। और आप? मैं, ये मेरा नाश्ता है। तो मैं नाश्ता करने लगा था हलीम आई की बर्थ से, तो मैं नाश्ता करता हूँ, आपको टेस्ट भी करता हूँ। और ये हलीम का बहुत मज़ेदार है नान भी। अब मैं आपको नाश्ता करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया था। अब ये देखें, चाय बिस्किट खा रहा था, मुझे जॉन से भी बिस्किट मिले, मैं ठा रहा है। देखें पता नहीं कौन कौन से हैं। बिस्किट खाता हूँ, सही है बिस्किट। चाय पी के फिर आपसे आकर फिर दे तो पानी दे, मैं पानी पी लूँगा। ग्लास था नहीं, मैंने ऐसे ही पी लिया। और चाय पीता हूँ, बिस्किट तो खा लिया। बिस्किट ना क्रीम वाले थे, वो मीठे मीठे थे, चाय का टेस्ट भी सही आ रहा। तो अब मैं आपसे दो बजे थे, वो आप टाइम भी देख सकते हैं। ये मेरी खिचड़ी पड़ी हुई है, खिचड़ी टेस्ट करते हैं पहले। सही है, थोड़ी फीकी फीकी थी। और अब ना मैं नहाने जाने लगा, खिचड़ी खा के फिर नमाज पढ़ते हैं। नहाली में नहा दो के रेडी हो गई हूँ, पौने तीन हो रहे हैं। और अब मैं जोहर की नमाज पढ़ने लगाऊँ, आप लोग ये देख सकते हैं। तो टाइम बहुत कम रह गया, अब मैं जोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ के फिर मैं ट्यूशन जाना है। तो मैं अब ब्लॉग ट्यूशन से आगे ब्लॉग करूँगा। फाइनली मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, 8 बजे आया हूँ। और ये मेरा रात का खाना है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं खाना खा के फिर आ चुका हूँ। मैं ट्यूशन से आया, खाना भी खा लिया, तो आपको दिखाया ही था। और अब ना मैं कपड़े वगैरह चेंज किए, उसमें ना बहुत गर्मी आ रही थी। अब ना मैं अपने लिए मैकरोनी बना लूँगा, तो मैं आप लोगों के लिए साथ बताता भी हूँ कैसे बनती है। और इतनी पहले गैस रखनी है, और सबसे पहले इसमें डालते हैं एक गिलास पानी। ये देखें आप, एक गिलास पानी सबसे पहले, फिर एक गिलास दूध, आधा गिलास डालना है, मेरे से थोड़ा ज़्यादा आ गया। हाँ, आधा गिलास दूध, फिर उसके बाद इसके अंदर डालनी है मैकरोनी, सब कुछ इकट्ठे डालने हैं। फिर डालना है ऑयल, ऑयल के बाद ये ना वो होता है लहसुन का पेस्ट, ये डालना है। इसको फिर अच्छी तरह हिला देना है। इस मैकरोनी को बॉयल नहीं करना, बॉयल करे बगैर ही डालना है। थोड़ा सा और पेस्ट डालता हूँ, पेस्ट एक कर चम्मच पेस्ट डालना है। और मैकरोनी बॉयल करे बगैर डालनी है। और अब ये नरम होती है, फिर आपसे ब्लॉग में ये देख सकते हैं। पता नहीं कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा डल गया था, कॉर्नफ्लोर में डालना ही भूल गया। अब मैंने वहाँ पर डाला जल्दी से भाग के, तो वो देखें मेरे से पूरी, ये देखें ये डब्बी थी कॉर्नफ्लोर की, वो चिकन पाउडर होता है, पूरी डब्बी उलट गई। और अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब जब बनता है तो मैंने वैसे हिलाया काफ़ी, तो लग नहीं रहा ज़्यादा। तो अब इसका पानी खुश करता हूँ, फिर रेडी करके आपके सामने लेके आते हैं। मैकरोनी भर के तैयार हो चुकी है, आप लोग ये देख सकते हैं। बड़ी मेहनत हुई है इसको बनाने में, और टेस्ट करता हूँ मैं। बनी तो सही है, मुझे लग रहा था ये कौन से और ज़्यादा है। और आप लोग भी खाएं, बनी तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं मैकरोनी को ख़त्म करता हूँ, और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता। हेलो गाइस, फन भी सुबह हो चुकी है, मेरे भाई वगैरह भी आ चुके हैं घर, वो अपने ना गए हुए पैर गुजरात, वो आ चुके हैं, 10 दिन रह गए आए हैं। और अब मैं सुबह का मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ये नाश्ते में है वो गोश्त है, और ये साथ नान है। और नाश्ता करते हैं फिर नाश्ते में। हेलो गाइस, फाइनली मैं नाश्ता करके फारिग हो चुका था, और अब इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, और मेरा जो कज़न है उसके चैनल को भी सपोर्ट दिखाएं, उसके 5-6 सब्सक्राइबर हैं, मेरे तो फिर भी 30 हैं। 100 कंप्लीट करवाएं जल्दी से जल्द। और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।